नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। हमने आपसे कहा था कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने में आप अपने को क्षुब्ध पाते हैं तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील आप कैसे करेंगे जब आपको यह पता हो कि जो असेसमेंट बोर्ड है उसने हमारा असेसमेंट गलत किया है, तभी तो कर पाएंगे ना। तो जो 2018 की गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसमें एक एक चीज और एक एक बात का कैलकुलेशन परिगणन किया गया है, गणना की गई है, जिस आधार पर प्रतिशत तय होते हैं। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो सर्कुलर आया 2018 का, यह बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा बोले तो मतलब कई सारे पेजेस में है। अगर एक वीडियो में इसको बनाना चाहें तो ये करीब करीब ले जाएगा 3-4 घंटे। तो इसलिए हम एक एक डिसेबिलिटी को लेंगे और एक एक डिसेबिलिटी पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम समय में जो जिसके योग्य होगा उस वीडियो को देख लेगा, अकॉर्डिंग के लिए वो जागरूक हो जाएगा, जिसके मतलब का नहीं होगा वो स्किप कर देगा। तो आज जो विषय ले रहा हूं, समाज के एक ऐसे वर्ग को ले रहा हूं जिसके बारे में आमतौर पर यह धारणा होती है कि ये कोई दिव्यांग थोड़े नहीं है, यानी मैं बौनापन की बात कर रहा हूं, जिसको हम ड्वार्फ बोलते हैं। RPWD एक्ट, यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जब आया तो उसमें जो अस्थिवादी दिव्यांगता है, उसमें चलन क्रिया संबंधित दिव्यांगता है, उसमें जो बौनापन है उसको भी सम्मिलित किया गया है। अब जो उसके लिए गाइडलाइन है वो क्या है, तो गाइडलाइन की ओर हम आगे बढ़े, इसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जो बौनापन है किस आधार पर मापी जाती है, यानी हम बौना किसको कहेंगे। तो जो RPWD एक्ट में परिभाषा दी गई है इसके, वो ये दी गई है कि चिकित्सीय और आनुवंशिक परिस्थिति के कारण जो वयस्क व्यक्ति है, यहां मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं वयस्क व्यक्ति पर, एडल्ट पर, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, जो वयस्क व्यक्ति है उसकी जो आयु है उसके अनुसार उसकी लंबाई 4 फुट 10 इंच यानी 147 सेंटीमीटर अथवा उससे कम है, यानी एक छोटा सा बच्चा अभी 4-5 साल का है तो उसकी लंबाई निश्चित रूप से 147 सेंटीमीटर से कम होगी, तो वह बौनापन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यह कहना चाह रहा हूं कि यदि व्यक्ति वयस्क है, व्यक्ति से मेरा मतलब पुरुष, स्त्री अथवा अन्य लिंग धारण करने वाले प्राणी से है, लेकिन इसमें पशु पक्षी सम्मिलित नहीं है, सिर्फ व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, तो जिनकी लंबाई 4 फुट 10 इंच से कम है, यानी 147 सेंटीमीटर या उससे कम है, ऐसे व्यक्ति ड्वार्फ कहे जाते हैं, बौनापन के शिकार कहे जाते हैं। यह आनुवंशिकीय रूप से भी हो सकता है और किसी चिकित्सा का भी परिणाम हो सकता है, यहां दोनों चीजें हैं। चिकित्सा के कारण भी अगर यह लंबाई कम हुई है तो भी बौनापन की श्रेणी में वो आएगा। तो अब हम इसकी नापजोक कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति की लंबाई 4 फुट 10 इंच है तो उसकी जो बौनापन का परिणाम है उसके आधार पर जो प्रतिशत होगा वो 0 होगा, यानी 4 फीट 10 इंच का व्यक्ति बौना की श्रेणी में नहीं आता है। हां, अगर यही 4 फीट 9 इंच हो गया तो उसकी दिव्यांगता जो आई वो 4% आ गई। अगर 4 फीट 8 इंच है तो 8%, 4 फीट 7 इंच है तो 12%, 4 फीट 6 इंच है तो 16%, यानी हर एक इंच पर 4% का दिव्यांगता का प्रतिशत बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर लंबाई 4 फीट 7 इंच है तो 12%, अगर 4 फीट 6 इंच है तो 16%, 4 फीट 5 इंच है तो 20%, 4 फीट 4 इंच है तो 24%, और अगर 4 फीट 3 इंच है तो 28%, और इसी तरह से अगर 4 फीट है तब 40% की दिव्यांगता पर सर्टिफिकेट मिल जाता है।
यानी तब वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आ जाता है। अब ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी मैंने पहले चर्चा किया था, इसलिए उसके बारे में आगे मैं यहां पे बात नहीं करूंगा। मैं तो यहां मैं असेसमेंट की बात कर रहा हूं। प्रति एक इंच 4% की दिव्यांगता दर्शित होने का मार्गदर्शी सिद्धांत भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगर व्यक्ति 2 फीट 9 इंच का है तो 100% दिव्यांग माना जाएगा बौनापन के कारण। यहां एक बात और आपसे चर्चा करता चलूं कि यह जो दिव्यांगता का प्रतिशत है बौनापन के लिए, यह सिर्फ बौनापन के लिए है। हो सकता है कि व्यक्ति बौनापन का शिकार हो और इसके साथ कुछ और भी दिव्यांगता हो, दृष्टि की भी दिव्यांगता हो सकती है, श्रवण की भी दिव्यांगता हो सकती है, चलन क्रिया से संबंधित कोई और भी डिसऑर्डर उसको हो सकते हैं, इंपेयरमेंट हो सकता है। तो उन सबको कैलकुलेट करके फिर गणना की जाएगी। मान लीजिए हमने आपसे चर्चा किया ना कि प्रति एक इंच उसकी दिव्यांगता 4% से प्रभावित हो रही है। मान लीजिए उसकी दिव्यांगता बौनापन के कारण मात्र 4% आई, लेकिन उसके श्रवण की क्षमता जो है वो भी बाधित है। तो श्रवण क्षमता का अलग से कैलकुलेशन होगा, अलग से उसी गणना होगी, वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। इसी तरह से अगर उसको दृष्टि बाधित है, किसी और तरह से भी आंख से दिक्कत है देखने में, तो वो भी अलग से उसका असेसमेंट होगा, वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। यानी सिर्फ बौनापन की मैं चर्चा कर रहा हूं कि बौनापन में अगर इस तरह से प्रति इंच अगर उसकी लंबाई कम होती जा रही है तो 4% की दिव्यांगता बढ़ती जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि 4 फीट 2 इंच है तो 32%, 4 फीट 1 इंच है तो 36%, 4 फीट है तो 40% और 3 फीट 11 इंच है तो 44%, 3 फीट 10 इंच है तो 48%, 3 फीट 9 इंच है तो 52%, 3 फीट 8 इंच है तो 56%, 3 फीट 7 इंच है तो 60%, 3 फीट 6 इंच है तो 64%, 3 फीट 5 इंच है तो 68%, 3 फीट 4 इंच है तो 72%, 3 फीट 2 इंच है तो 80%, 3 फीट 3 इंच है तो 76%, 3 फीट 1 इंच है तो 84%, 3 फीट है तो 88%, 2 फीट 11 इंच है तो 92%, और 2 फीट 10 इंच है तो 96%, और 2 फीट 9 इंच है तो 100%। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति ड्वार्फिज्म का शिकार है और उसकी लंबाई 4 फीट 10 इंच से कम है तो वह दिव्यांग की श्रेणी में आएगा। यहां पर एक चीज और कह दूं, हमने अभी कहा 4 फीट 10 इंच, और मान लीजिए उसकी जो लंबाई है 4 फीट 9.1 इंच है तो उसकी दिव्यांगता 0 ही आंकी जाएगी। एक बात दिमाग में रखने की है, कभी कभी कोई कह सकता है साहब 4 फीट 10 इंच पर ही है ना शून्य, 4 फीट 9.5 इंच पे तो नहीं है। तो मैंने बताया कि आपको जब इंच की बात करता हूं तो उसमें साफ साफ मेंशन है। तो आपसे निवेदन इतने रहेगा, हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है, हालांकि इनकी संख्या कम है, लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लंबाई 4 फीट 10 इंच से कम है तो कृपया उनको भी स्वावलंबन कार्ड की साइट पर जाकर के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन अप्लाई करवाना चाहिए ताकि उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हो सके। यहां पर एक बात जरूर कहूंगा कि पूरी गाइडलाइन को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें यह देखने में आता है कि जो प्रतिशत दिया हुआ है कि दिव्यांगता का प्रतिशत 4% है, 6% है, 12% है, यानी 40% से नीचे है। तो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो असेसमेंट बोर्ड होता है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं करते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। अगर आप दिव्यांगजन अधिकार नियमावली देखेंगे या दिव्यांगजन अधिकार कानून देखेंगे 2016 का, या यह जो मार्गदर्शक सिद्धांत है इसको देखेंगे,
असेसमेंट के लिए। तो कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अगर 4% दिव्यांगता है या 8% दिव्यांगता है उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं की जाएगी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। क्योंकि जब हम अपील की बात करते हैं तो अगर उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं की जाएगी तो कैसे उसको पता लगेगा क्षुब्ध है वो, और तब अपील कैसे करेगा, कैसे चैलेंज करेगा इस गाइडलाइन के आधार पर कि हमारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो मेंशन किया गया 4% दिव्यांगता 8% दिव्यांगता या जो भी है वो 4% 8% 10% नहीं बल्कि अमुक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ज्यादा है। तो इसलिए जब भी इस ढंग से बात आती है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज को जारी करनी चाहिए, उसमें उसको रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे एक दूसरा फायदा भी है, जब सरकार योजना बनाती है तो उनके पास भी एक डेटा होता है, एक आंकड़ा होता है कि हमारे देश में बेंचमार्क डिसेबिलिटी से कम वाले इतने दिव्यांगजन हैं जो बौनापन की श्रेणी में तो आते हैं लेकिन बेंचमार्क डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं, तो हमें उनके लिए क्या करना है। तो जो नीतियां बनेंगी जो योजनाएं बनेंगी वो उसके मुताबिक सरकार विचार करती है। इसलिए जो चिकित्सा बोर्ड है दिव्यांगजन के लिए जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं दिव्यांगता का, उनसे निवेदन अवश्य रहेगा कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करें ताकि जो व्यक्ति दिव्यांग है बेंचमार्क डिसेबिलिटी से कम उसका प्रतिशत आ रहा है तो वो अपील में जा सके, उसका विधिक अधिकार है, वो उसको चुनौती दे सके और न्याय पा सके। तो उसका मूलभूत अधिकार जो राइट टू जस्टिस का है वो भी वायलेट ना होने पाए, इन्फ्रिंज ना होने पाए। इसी के साथ आज की बात यहीं तक, अगली वीडियो में आपसे हम फिर चर्चा करेंगे किसी अन्य दिव्यांगता की बात को लेकर के और उसके असेसमेंट को लेकर के। चलते चलते निवेदन जरूर रहेगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज की अपडेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।